Hi, this is Rekha Kakkar from My Tasty Curry. Welcome to my YouTube channel. आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही मजेदार मशरूम और बेबी कॉर्न की तवा मसाला डिश जो कि बन जाती है झटपट से और खाने में है बहुत ही जायकेदार। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने की तवा मसाला मशरूम बेबी कॉर्न। इसके लिए आप एक तवा ले सकते हैं या कोई भी थिक बॉटम वाला शैलो पैन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर शैलो पैन में बटर गरम किया। इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है हल्का सा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक या अदरक का पेस्ट। इनको हम भून लेंगे सब चीजों को हल्का सा गुलाबी होने तक, करीबन 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी मैंने बारीक काटा है। आप येलो, रेड या ग्रीन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको हम मिलाकर सौते कर लेंगे और इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को हम 6 से 7 मिनट तक मीडियम हीट पर भूनेंगे। आप टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए जिससे टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। अब टमाटर को भी हमें भूनना है और इनको अच्छा मैश कर लेना है। तो ये टमाटर हमारे गल गए हैं, इसको हम पोटैटो मैशर लेकर इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। तो मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला जो कि कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर देगा तवा मसाला सब्जी का। तो इस मसाले को हम भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी जब भी आपको रिक्वायर्ड है, जब भी आपको लगे कि मसाला ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी 2-3 चम्मच इसमें डाल के मसाले को आप वेट रख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेबी कॉर्न और थोड़ा सा हरा धनिया और बेबी कॉर्न को कुक कर लेंगे हम 6 से 7 मिनट तक, जब तक ये काफ़ी टेंडर नहीं हो जाए, थोड़े से गले गले नहीं लगे। तो हमारे बेबी कॉर्न पकने के बाद इसमें हम डालेंगे मशरूम जिनको कि मैंने पहले से साफ करके रखा है। मशरूम को साफ करने के लिए काफी अच्छे टिप्स हैं जो कि मैं एक अलग वीडियो में शायद शेयर करूंगी। उसको आप अच्छे से धो लीजिए लेकिन पानी में नहीं डुबाइए, उससे मशरूम मसाले का जो फ्लेवर है बहुत अच्छी तरह से सोख लेंगे और काफी अच्छे बनेंगे। तो ये कटे हुए मशरूम हमने इसमें डाल दिए। मसाले को हम इसको अच्छी तरह से, जो मशरूम को मसाले से कोट करेंगे और कुक करेंगे करीबन 4 से 5 मिनट। मशरूम काफी जल्दी पक जाते हैं। आप चाहें अगर थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है तो आप 6 to 7 मिनट्स भी पका सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपके टेस्ट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कुकिंग टाइम रख सकते हैं। तो ये हमारा तवा मसाला मशरूम बेबी कॉर्न रेडी है। आप इसको परांठे, चपाती दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं, पाव के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा सर्व करने के लिए हम इसको प्लेट में निकालेंगे। आप इसमें नींबू डालिए, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल सकते हैं और हरे धनिया से इसको हम गार्निश करेंगे, सर्व करेंगे और गर्मा गर्म आप इसको एंजॉय कीजिए। मैंने इसको सर्व किया परांठे के साथ, लच्छा परांठा, और इसके साथ काफ़ी टेस्टी लगा। आई होप आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना फीडबैक मुझे हमेशा की तरह कॉमेंट्स में भेज सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।